अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाइनीज़ पास्ते की रेसिपी, जो खाने में भी इतनी टेस्टी है कि बहुत ही ज़्यादा कोई यकीन नहीं कर पाया कि ये घर पर ही बनाया है। तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पास्ता ले लिया है। आप इसके जगह कोई सा भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, एक लंबाई वाला भी आता है उसको भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने एक भगोना ले लिया है, फ्राई पैन ले लिया है, जिसमें मैंने पानी भरकर रख दिया है 1 लीटर के करीब। और इसमें हम 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल को डालेंगे। और बॉईल होने के बाद इसमें पास्ते को ऐड कर देंगे और 80% कुक करेंगे। ये देखें, हमारे 7-8 मिनट बाद देख रहे हैं हमारे पास्ता किस तरीके से लग रहा है। ये वाइट लग रहा है देखने में, तो हमें इस तरीके से ही चाहिए था। ये देखे, तोड़ने में थोड़ा सा सख्त है, इसी तरीके की हमें कंसिस्टेंसी से चाहिए थी। तो हम इसको एक छन्ने के अंदर निकाल लेंगे और पानी से इसे वॉश कर लेंगे। इसको धोने से क्या होता है कि इसका जो पास्ते का स्टार्च होता है वो सारा निकल जाता है, ये आपस में नहीं जुड़ते हैं। तो इसको पानी से धो लिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद जाएगी शिमला मिर्च कटी हुई थोड़ी सी, और मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की अनियन को चौकोर पीसेस में कट कर लिया है, और इसको हम क्रंच कर लेंगे। और इसके बाद एक मीडियम साइज़ के टमाटर को भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम 3 टेबल स्पून भरकर टोमेटो सॉस डालेंगे। इसके बाद डालेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, ये हम चाइनीज़ तरीके से बता रहे हैं तो बनाना, तो इसी तरीके से बनेगी हमारे पास्ते की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून विनेगर डाल दिया है और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर को ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसकी ग्रेवी को थिक रखने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने पतला सा घोल तैयार कर लिया है, और इसको हम ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे और तुरंत चला देंगे। इससे हमारी ग्रेवी भी अच्छी बनेगी, थोड़ी गाढ़ी बनेगी। तो इसको हम पकाना है, ग्रेवी को थोड़ा सा पानी को ऐड कर दें और इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाएं। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चीनी को ऐड कर दिया है। चीनी को डालने से हमारी इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हमें थोड़ा सा पानी को ऐड करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए ग्रेवी को पकाना है। ये देखें, 5 से 6 मिनट बाद हो चुके हैं हमारे। अब इसके अंदर हम पास्ते को ऐड कर देंगे। पास्ते को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। हमें इस तरीके से मिलाना है ताकि हमारा सारी ग्रेवी जो है अंदर के तरफ वो बिल्कुल लिपट जाए पास्ते से। तो इसमें मैंने मसाले को ऐड किया है 1 पाउच पास्ता, ये मुझे हमारे बाज़ार में मिलता है, ये मैंने भाई पास्ता मसाला डाला है। अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा 1/2 कप पानी डालकर मैंने इसकी ग्रेवी को थोड़ी लूज़ कर लिया है, और इसको 2 मिनट के लिए हम पकाएँगे। दो मिनट पकाने के लिए हमें इसमें जो थोड़ा मुझे नमक कम लगा था, तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक को भी ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से नमक रखिएगा। तो ये लीजिए, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, हमारा पास्ता एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं, और ये सर्व करने के लिए भी तैयार है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको खाना। ये देखें, हमारा पास्ता एकदम रेडी हो चुका है, बिल्कुल चाइनीज़ तरीके से बताया है। आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही जैसे बाज़ार जैसा लगता है, ऐसा लगता है कोई नहीं बता पाएगा कि ये घर में बनाया है। बहुत ही जायकेदार बन करके तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें फ्रेंड्स, और मुझे आगे ज़रूर बढ़ाएं। और मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचती लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।